तो आज हम स्टार्ट करते हैं. जस्ट बच्चा आप पूछो, मुझसे पूछो, कुछ पूछ रहे हो क्या? चैप्टर अभी लिखने जा रहा हूं. देखो हमारे पास जो चैप्टर, आप लोग मॉर्निंग वाले बैच से हो, न्यू हो कंप्लीटली. देखो मेरे पास, सुनिए बात नहीं करे कोई भी, नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल. ठीक है, न्यूरल कंट्रोल. ये हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का आखिरी सेकंड, लास्ट सेकंड चैप्टर है. इसका नाम है न्यूरल कंट्रोल. इसको बच्चे ब्रेन वाला चैप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में दो चीज का डिस्कशन कर रहे होते हैं बच्चा. एक ब्रेन, पहले तो नर्व डिस्कस करते हैं, और तब हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं बाबू? ब्रेन के बारे में. तो नर्व एंड ब्रेन, इन्हीं दो चीजों के डिस्कशन में ही पूरा हमारा चैप्टर भरा पड़ा हुआ है. ठीक है, देखो सबसे पहली बात इस चैप्टर को समझाने से पहले, आप लोगों ने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके, याद आ रहा है? डाइजेशन था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था. बोलो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तुमको याद होगा, तुम लोगों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझाया गया था, तुम्हें मोटर नर्व, ये सब नर्व, एफरेंट नर्व फाइबर वगैरह सब समझाया गया था. बोलो, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व. हाँ अच्छा, वो डिलीटेड था तो तब से मैं बोल रहा हूं, ये बात पहले नहीं बोलनी चाहिए थी. अच्छा, स्ट्रक्चर बताया गया था, ठीक है कोई बात है, डिलीटेड था ना, मतलब कहीं ना कहीं तो देखे होगे ना थोड़ा बहुत. तो भी तो उसी का ये एडवांस है, मतलब जो तुम 10th में पढ़े थे ना वो नॉर्मल था, ये थोड़ा उसका प्रोमैक्स है. मान लो क्या है? प्रोमैक्स है. ठीक है जी. तो देखो सबसे पहले इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मुझे कोई बताएगा आप में से कि न्यूरल सिस्टम का काम क्या होता है बच्चा? पर्पस क्या है, काम क्या है? वो ना हो तो क्या होगा, और है तो क्या हो रहा है? मैसेज पहुंचाने का काम, और कोई कुछ? कंट्रोल करने का काम, बिल्कुल. और कोई कुछ? थोड़ा बहुत कुछ भी आता हो यार, हिंदी इंग्लिश भोजपुरी उर्दू जो भी बोल सकते हो बोलो. मूवमेंट के अंदर, अच्छा ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ही आ जाता है. देखो कभी भी आपसे कोई भी नर, लड़कियां बोलो, मानसी, रिया, खुशी, तू रहन दे, तू कल बोलना. अबे यार, आ जाओ आ जाओ, चलो. तो बच्चा हमारे पास कहानी क्या है, अगर कोई भी आपसे नर्व और ब्रेन के बारे में पूछता है तो बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, पूरी बात हो रही है कोऑर्डिनेशन पे एंड बोलो कंट्रोल पे. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पे हमें सारी की सारी बात किस पे डिस्कशन करना है बच्चा? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये दो चीजों में पूरी कहानी हमारी घिरी पड़ी है. आई बात समझ में? आप सबको याद हो, जब मैंने आपको मसल्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मसल्स का ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्मल होता है. कैसा होता है ये तो याद है ना आपको? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और बच्चा दूसरा, तीसरा मेसोडर्म. इसको वैसे मैंने नीचे लिखा है लेकिन ये सेंटर में होता है. बताया था याद करने का तरीका, एम से मीसो और एम से मिडल. एंडो का मतलब अंदर के साइड में, तो क्या बोलोगे इसको? एनर. ये इनर हो गया, तो ये क्या वाला, क्या हो गया बच्चा? आउटर. बोलो, तो ये क्या है? ये हमारे पास रीजन्स के नाम है जहां पे क्या स्टोर होते हैं, कौन से सेल? स्टेम सेल. कौन से सेल बच्चा? स्टेम सेल. अगर मैं एक सिंपल उदाहरण समझाऊं आपको, जब आप अपने मदर के यूट्रस में, जब आपका डेवलपमेंट हो रहा था, जब आप डेवलप हो रहे थे उसके अंदर, जब आपके मदर का जेस्टेशन पीरियड चल रहा था, उसी दौरान में, स्टार्टिंग दौरान में, मदर के जो आपके पास जो जाइगोट बनके तैयार हुआ था, वो जाइगोट जो है तीन हिस्सों में बटा हुआ था. कितने हिस्सों में? तीन. इसमें एक हिस्सा बाहर के साइड था, एक बीच का साइड था, और एक अंदर का साइड था बच्चा. बाहर वाले को क्या बोला हमने? एक्टोडर्म. बीच वाले को क्या बोला बच्चा? मेसोडर्म. और अंदर वाले को, बीच, हाँ, अंदर वाले को क्या बोला? एंडोडर्म. ये क्या थे? ये सारे कौन से सेल्स थे? स्टेम सेल्स थे. ये सारे सेल के अंदर जो है ये डिसाइडेड है कि कौन सा सेल आगे चल के कौन से ऑर्गन को बनाएगा. अब मेसोडर्म जो है इसका काम होता है, इसमें जो भी सेल्स होंगे वो सेल मसल्स का डेवलपमेंट करेंगे. क्या करेंगे? मसल. बच्चा आज ना हम लोग इंसान बन के तैयार हो गए हैं, एक टाइम पर हम लोग भी क्या थे? ये जाइगोट की तरह थे. इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ था, साइक्लिक चेंजेस हुए थे, प्रोसेस इन्वॉल्व था, तब जाके ये वाला क्या कन्वर्ट हुआ था? एक कंप्लीट फीटस में तैयार हुआ था. एंड आफ्टर दैट कन्वर्जन
फ्रॉम दैट जाइगोट टू फेटस द ह्यूमन गेट कन्वर्टेड इन टू एडल्ट फॉर्म. बोलो, इन्फेंट से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट में. तो कहीं ना कहीं सबसे पहले स्टार्टिंग ओरिजिनेशन क्या था बच्चा हमारा? स्टेम सेल्स. तो जैसे बीच वाले सेल डिसाइडेड हैं कि ये वाले सेल जो है बच्चा ये मसल्स बनाएंगे, तो बस ये मसल्स बनाते हैं. वैसे ही न्यूरल कंट्रोल है, ये क्या बना, ये कौन से रीजन से डिसाइडेड होता है? तो आज से याद रख लीजिएगा लोग, एक्टोडर्म. कौन से वाले? एक्टोडर्म. मतलब स्टेम सेल्स का जो बाहरी हिस्सा होगा वो रीजन क्या बनाएगा? न्यूरल. बीच वाला रीजन क्या बनाएगा? मसल्स. अंदर वाले रीजन क्या बनाएंगे? बॉडी के विसरल ऑर्गन्स, स्टमक बनाएंगे, स्प्लीन बनाएंगे, जितने भी इंटरनल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे पेरिटोनियम के अंदर, वो सब कौन बनाता है? एंडोडर्म वाला. तो ये कुछ नहीं है, रीजन डिवाइडेड है. लेकिन ये रीजन जो है तब तक रहेगा जब तक कि आप मदर के वोम्ब में पल बढ़ रहे हो. जैसे ही आप दुनिया में बाहर आओगे, आपको पता है आप सबके अंदर ये सेल अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अब क्या हो गया है? नॉन फंक्शनल, किसी के अंदर काम नहीं करता हो, लेकिन अवेलेबल सबके अंदर है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुना आपने? नहीं सुना होगा. बोन मैरो के अंदर ये अभी भी ये सारे के सारे स्टेम सेल्स क्या है? अवेलेबल है. सारे के सारे स्टेम सेल्स अभी भी हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है. तो इसीलिए अब क्या होता है, जो बच्चे तैयार हो रहे होते हैं मदर के वोम में, उन बच्चों के अंदर से स्टेम सेल्स निकाल के बैंकिंग की जाती है, बैंक में स्टोर कर दिया जाता है कि कल को उस बच्चे का जन्म लेने के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, कल को कोई ऑर्गन फेलियर हो जाए या किसी एक्सीडेंटल केस की वजह से कोई ऑर्गन फेल हो जाता है, तो इसी स्टेम सेल्स को निकाल के वापस से ग्रो करा के नया ऑर्गन उसके बॉडी में फिट कर दिया जाएगा. ये स्टेम सेल्स बैंकिंग कहलाता है. आप लोगों में अब ये सब नहीं हो सकता क्योंकि अब तो दुनिया के बाहर आ गए हो, तो अब आपका स्टेम सेल्स स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि अब आपका स्टेम सेल्स क्या हो चुका है? नॉन फंक्शनल. कोई बात नहीं, अब आपसे नहीं हुआ, आपके बच्चे जो होंगे उनको ध्यान से करवा देना आप लोग, ठीक है? कितना खुश हो रहा है, बच्चे होंगे, पढ़ना पड़ेगा तब शादी होगी, बच्चे में बहुत खुश हो गए. नक्की क्यों खुश हो रहा है ऐसे? ये बच्चे के नाम पे खुश हो गया? अरे पहले पढ़ लिख नौकरी कर तब ब्याह हुई तोर, ओकरा बानो लेके होला है. चलो इधर देखो, आई बात समझ में? अब सुनिए अच्छा, ये बात तो तुम्हें आई थिंक समझ आ गई होगी क्या है. अगर कोई पूछे आपसे कि किसी इनबॉर्न जो है डेवलपिंग जो चाइल्ड होता है उसके अंदर सबसे पहला कौन सा ऑर्गन बन के तैयार होता है? पहले ही दिमाग बन जाएगा, हार्ट. बताया था, हार्ट वो ऑर्गन है जो सबसे पहले बन के तैयार होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर. लेकिन अगर सवाल पूछे कि कौन सा बॉडी पार्ट है जो पहले बन के तैयार होता है? नर्व. क्या आंसर जाएगा? नर्व. नर्व एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो सबसे पहले बन के तैयार होता है. लेकिन अगर कोई ऑर्गन बोले तो जवाब में नर्व मत लिख के आना, ऑप्शन में पहला नर्व ही डाल देगा. ऑर्गन कोई पूछे तो क्या बोलोगे? हार्ट. बॉडी पार्ट पूछे तो क्या बोलोगे? नर्व ऑर्गन थोड़ी ना है बच्चा, नर्व तो बॉडी का पार्ट है और हार्ट बॉडी पार्ट थोड़ी ना है, वो तो बॉडी का ऑर्गन है. तो गधो, इसके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए. बोलो गधो. वेरी गुड गधो. चलो अच्छी बात. अब देखो नेक्स्ट समझाता हूं बच्चा आपको मैं. तो यहां पे एक चीज नोट करने वाली बात है कि फर्स्ट डेवलप्ड बॉडी पार्ट इन बस ए इन डेवलपिंग क्या? एम्ब्रियो. अब आते हैं नेक्स्ट बात में बच्चा. देखो आप सबको पता है कि हम लोग कॉर्डेट्स हैं या नॉन कॉर्डेट्स हैं? कॉर्डेट्स हैं. तूने कैसे बोल दिया कॉर्डेट्स? क्या होता है कॉर्डेट्स? क्योंकि बच्चों ने बोला, बाकी तो मैंने ही बोल दिया कि हाँ कॉर्ड है. ये लॉजिक था ना इसके पीछे. कभी सुना है कॉर्डेट्स? कहां सुना है? 10th में सुन लिया जी. तो हम लोग क्या है बच्चा? कॉर्डेट्स हैं, ठीक है. हमारे अंदर जो ये नर्व्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कैसा होता है बच्चा? हॉलो होता है. कैसा होता है? हॉलो. हॉलो का मतलब खोखला होता है कॉर्डेट्स के अंदर. लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के अंदर कैसा होता है? सॉलिड होता है. क्या होता है? सॉलिड. एक नंबर का सवाल है, तैयार कर लो सब. क्या बोला मैंने? क्या बोला? हम कॉर्डेट्स के अंदर कैसा होता है हमारा जो नर्व कॉर्ड होता है वो कैसा होता है? नर्व कॉर्ड हॉलो. लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के अंदर कैसा होता है?
सॉलिड होता है। आई बात समझ में? ठीक है, उसमें भी वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट अलग है, लेकिन मैं इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि आपको एनिमल किंगडम का अच्छा सा ज्ञान नहीं है, बस चूंकि था तो बता दिया मैंने। अब हम लोग आते हैं डिटेल में इसके डिस्कशन पे। यहां तक की बात पहले सबको समझ में आए कि नहीं, पहले ये बताओ, आगे सबको समझ में? अब अपने क्लासिफिकेशन पे आते हैं। देखिए, हमने पूरे नर्व सिस्टम को बच्चा, नर्व सिस्टम, हमने पूरे नर्व सिस्टम को दो भाग में डिवाइड कर दिया है बच्चा, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट को बोलते हैं हम लोग CNS, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं PNS। CNS का अगर कोई मतलब पूछे तो क्या बताओगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, PNS का पेरी फेरल नर्वस सिस्टम, सिस्टम फाड़ देंगे हैं? चलो, तो ये क्या बच्चा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये क्या बच्चा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल वर्ड का मतलब पता है क्या होता है बायोलॉजी में? आउटसाइड। क्या होता है? आउटसाइड, बाहर की तरफ। और सेंटर का मतलब क्या होता है? एकदम मिड ऑफ द सेंटर बॉडी, एकदम बॉडी के अंदर के रीजन में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो ऑर्गन आते हैं, दो पार्ट आता है बच्चा। पहला आता है ब्रेन, जो कि कहां स्टोर होता है? अभी जस्ट बता के लाए गधो, क्रेनियम। क्या बोलते हैं इसको? कौन सा बॉक्स? ब्रेन बॉक्स। कहां होता है बच्चा, बताना जरा? वेरी गुड यार, कौन कहता है इसको गधा है? अच्छा सॉरी, मैं नहीं कहता हूं। दूसरा है तो ब्रेन हो गया, दूसरा क्या होता है बच्चा हमारे पास? नर्व। क्या? नर्व। और ये नर्व की बात की गई तो मैं किसकी बात करूंगा यहां पे स्पेसिफिकली? स्पाइनल कॉर्ड। ये कहां स्टोर होता है? वटी ब्रल कॉलम के अंदर। अरे ये रीढ़ की हड्डी है, यहां से यहां तक इसी में क्या भरा पड़ा है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड। मैंने कहा था ये रीढ़ की हड्डी कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। बीच में क्या होता है? कार्टिलेज का डिस्क बना होता है, और इसी के अंदर क्या होते हैं हमारे सारे के सारे? स्पाइनल कॉर्ड अरेंज रहते हैं इस तरीके से। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए रीढ़ की हड्डी बाहर बनाई जाती है। कोई भी देखो, कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके प्रोटेक्शन के लिए बाहर बोन बनाया गया है, बोन, ताकि उसको क्या कर सके? हीट शॉक से या एकदम से झटके से क्या कर सके? उसको बचाया जा सके। आपका जो ब्रेन है ना बच्चा, इसके बारे में एक चीज जानते हो आप लोग? अगर आपके एक नॉर्मल ब्रेन को सिर्फ इतनी ताकत से मार दी जाए ना, इतनी ताकत से, वो एरिया नॉन फंक्शनल हो जाएगा, किसी काम का वो एरिया नहीं बचेगा। सोचो कितना सेंसिटिव पार्ट है हमारा। थोड़ा भी स्पाइनल कॉर्ड आपका हिल जाए ना, तो सोचो क्या से क्या हो जाएगा। समझ लो मेरी बात को। इसीलिए इन सब के लिए हमारे पास बोन्स, स्कल का होना, क्रेनियम का होना, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वर्टिब्रल कॉलम का होना बहुत कंपलसरी है। आई बात समझ? ये तो चलो भाई, आपने भैया बात बता दी CNS की। अब PNS के ऊपर देखते हैं। PNS में क्या आता भाई? पेरिफेरल मतलब बाहर के साइड। इसके फर्दर दो पार्ट होते हैं, SNS और ANS। इसको बोलते हैं बच्चा, बोले कोई? सोमैटिक, हाँ, न्यूरल। किसका बच्चा? ANS का, इसका। तो हम मतलब तुम नहीं बोलते तो नहीं बताते हैं, हम तो आ ही रहे थे वहां पे। अगला है ऑटोमेटिक, नहीं ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक मतलब क्या? ऐसा नहीं समझो ऑटोमेटिक खुद ही काम कर लेता है, वैसे है लॉजिक इसके अंदर। तुम्हारा जो वर्ड बोलिए ना, वो थोड़ा लिंक है इसमें, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फर्दर दो पार्ट से बच्चा, SNS और ANS। ANS के फर्दर फिर दो पार्ट है, देखो कौन कौन से। एक का नाम है सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, और दूसरा का नाम है पैरा सिंपैथेटिक क्या सिस्टम, ठीक है। तो मेरे पास नर्व सिस्टम दो भाग में बटा हुआ है बाबू, एक CNS, तो दूसरा CNS का फुल फॉर्म। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? पेरिफेरल के कितने पार्ट? SNS और
एसएनएस का फुल फॉर्म, एएनएस का फुल फॉर्म, एएनएस के फर्दर कितने पार्ट, कौन कौन से, बोलो समझ आया नहीं है। अगला काम बताइए आपको, फटाफट इसको कॉपी कीजिए। चलिए सुनिए, बात नहीं, शांत हो जाओ सारे। अब देखो बच्चा, हमारे पास फर्दर जो है, एक सेकेंड बच्चा, प्लान होगा अभी, रुक जाओ, कर लेंगे आराम से। मेरे पास एसएनएस था, मेरे पास एएनएस था। एसएनएस के बारे में कोई बता सकता है कि एसएनएस का क्या काम होता है? एनीवन, कोई बच्चा बताए मुझे एसएनएस का काम, सर्च करके बताओगे, बोलो एसएनएस का क्या काम होता है, बोलो काम, काम बताओ सम, एसएनएस का काम क्या होता है? एसएनएस का काम होता है बच्चा स्केलेटन, स्केलेटन मसल्स को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। एक नंबर का सवाल है, इसको बॉक्स में रखिएगा लोग, जरा ध्यान से। अब सारे बच्चे सीरियस हो जाएं, जो भी प्लान होगा, पार्टी पिकनिक जो भी है, क्लास के बाद, चलते क्लास में कोई प्लान नहीं करना फिलहाल, अभी आप लोग यहां ध्यान दीजिए। देखो, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में हमारे पास स्केलेटन मसल्स कोऑर्डिनेशन की बात होती है। ये वो पार्ट है जो हमारे स्केलेटन मसल्स को, मतलब आप, आपके ऊपर बॉडी में कोई भी हरकत हो रही है जो कि बोन्स और मसल से रिलेटेड, आई मीन स्केलेटन मसल से रिलेटेड है, तो वो सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करेगा, एसएनएस। कुछ दिन पहले तुम लोग को याद करो, बताया था एक कैल्शियम का मैकेनिज्म, ये बताया था एक नर्व का एंडिंग है, नीचे मसल्स है, पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में फैल जाएगा, फैलने के बाद वो अंदर एंट्री करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेगा भाई करने को, कैल्शियम निकलवाएगा, वो सारे कैल्शियम क्या करेंगे भाई, ट्रोपोनिन को एक्टिन के ऊपर जाके हटा देंगे, फिर मायोसिन क्या हो जाएगा, उससे बाइंड हो जाएगा, और हमारा मसल कॉन्ट्रेक्शन क्या हो जाएगा। तो ये वाला वो वाला जो मैकेनिज्म था वो कौन कंट्रोल कर रहा है, एक नंबर का सवाल है, दिमाग में बैठा लो, आज से भूलना कभी नहीं है। एसएनएस जो है वो हमेशा स्केलेटन मसल्स को क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अब सुनो, अब हम लोग ऑटोनॉमिक पे आते हैं बच्चा, जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा चीजों को। ऑटोनॉमिक में दो चीज है, सिंपैथेटिक और क्या है बच्चा, पैरासिंपैथेटिक, क्या बोलते हैं इसको, पैरासिंपैथेटिक। सिंपली अगर कोई पूछे आपसे कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो सिंपैथेटिक का मतलब वो कोई भी काम, वो कोई भी काम जो सिंपैथेटिक कर रहा है उसके जस्ट अगेंस्ट में कौन काम करेगा, पैरा सिंपैथेटिक। एक सेकंड, कॉल आ रहा है, सुनो, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में यही डिफरेंस है, सिंपैथेटिक जो जो काम को बोलेगा करने को, पैरासिंपैथेटिक उसको मना करेगा। इस पूरे मैकेनिज्म को समझाने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देता हूं, जरा फील करना। मान लेते हैं कि आप लोग यहां बैठे हो, जैसे कोई बच्चा ही, लेट्स प्रत्यूष को दौड़ाओ यार, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट खराब कर देगा। सौर्य बैठा हुआ, मान लेते हैं सौर्य बैठ के खाना खा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है बच्चा, वो बैठ के खाना खा रहा है, बैठ के खाना खा रहा है, एकदम से क्या हुआ, जैसे ही वो बैठ के खाना खा रहा है, उतने मजाक किया करना जितना सुन ले, समझा, एक झांपड़ मारेंगे ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, समझ रहे। थोड़ा देर तो गुस्सा नहीं देते यार, लेकिन तुम मजाक मत किया कर यार, निकल प्लीज यार, नहीं चाहता वो मेरे अंदर से ना वो ऐसा कुछ गड़बड़ी आ जाए, ठीक ठाक रहता हूँ, हाँ ठीक है, सुनो। तो क्या होता है, एक सिचुएशन है, सौर्य बैठ के क्या कर रहा है बच्चा, खाना खा रहा है, एकदम से उसके सामने ना कोबरा सांप, जिसको अपन गहुवन कहते हैं अपने यहां पे, गहुवन सांप, हाँ, एकदम सामने आके बैठ गया। अब एकदम अनएक्सपेक्टेड था इसके लिए, इसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे खाने के सामने कोबरा ब्लैक कलर का एकदम स्ट्रेट वाइज बैठ जाएगा। अब इसका एकदम से ध्यान गया, तो इसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे एकदम से बताओ। सबसे पहले आईज जो है ना, प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, ऐसे वाला मोज में, हाय वाह, ऐसा होता है। सेकंड चीज, धड़कन बढ़ जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगा। तीसरा, एकदम से स्वेटिंग होना स्टार्ट,
एक और जो सबसे बड़ी चीज एक्सपीरियंस की, मुंह का सूखना हो जाता है, मुंह सूखने लगता है एकदम अजीब सा, मुंह सूख जाता है, सलाइवा एकदम रुक जाता है आपके बॉडी का, अंदर मुंह में सलाइवा ही नहीं आता है, अब लगता है गला सूखा सूखा सा, अजीब सा फीलिंग आने लगता है, नोजिया एंजाइटी टाइप लगता है फील होने। और अगर ये ना लगा हो तो भी या तो लग जाएगा, अगर पहले से लगा हो ठीक है ठीक। और कुछ चेंजेस, हार्ट बीट तो बोल ही दिया, हमारे बॉडी के सारा डाइजेशन काम रुक जाएगा, सारा डाइजेशन जितना भी बॉडी के एकदम से फंक्शनिंग था सब रुक जाएगा, ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएगा, गूज बम्प जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली हमारे पास बात नहीं, एकदम से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सब चेंजेस क्यों हो रहा है? सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक का काम होता है ट्राई एफ, क्या याद रखोगे? ट्राई एफ, या तो फाइट करो या डर जाओ या फिर भाग जाओ, ट्राई एफ याद करो, फाइट कर लो, या तो लड़ लो सांप से या डर के मुंह भागे बैठे रहो ऐसे करके, या फिर उससे आराम से लड़ो। तो ये तो मुमकिन है नहीं, ठीक है, मतलब भागोगे तो भी मारेगा वो, लड़ने का तो सवाल है नहीं, तो चुपचाप बैठ के क्या करो, डरो। अभी थोड़ा देर पहले बोला कि सुधर जाएंगे, फिर बिगड़ गया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो बोलो ना, कौन? तो अगर तुम भागोगे तो वो क्या करेगा? वो तुमको ताकने थोड़ा आया था, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम कौन कोऑर्डिनेट करता है? सिंपैथेटिक। या उसका एक और एग्जांपल देख लो, आपके साथ लाइफ में हुआ होगा, क्योंकि आप सब एक ही एज ग्रुप के हो और इस फेज में हो कि आपके साथ ये चीज होता रहता होगा अक्सर। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, कोई ना कोई अगर लाइफ में आपका क्रश होगा, क्रश समझते हो, हालांकि तो क्रश बोला नहीं कि कुछ लोग तो वैसे ही लाल हो गए। एक सेकंड, क्या होता है क्रश? अगर आपने अपने लाइफ में, अब चूंकि आपके अगर आप कभी क्रश होगी, लड़कियों लड़कों को बता रहे होगी और आपके होगे, तो आप देखते जैसे उसके सामने आओ, वो आपके सामने आएगा ना वो व्यक्ति, या उस जो एकदम से अलग सही आपके बॉडी में मूवमेंट होना स्टार्ट। बिल्कुल सही बात, पहला हरकत हार्ट बीट बढ़ जाएगा एकदम तेजी तेजी, आप घबरा जाओगे। अगर आप अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किए हो, आप जिस जो आपका क्रश है कभी आप बात करने जाओ तो आपकी जुबान फिसलनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको समझ नहीं आया क्या बोलना है नहीं बोलना, आप उसको देखकर शर्मा जाओगे। अच्छा सिंगल लोग, तुम्हारा जन्म तो सिर्फ जनगणना के लिए ही हुआ है, तो तुम लोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तुम लोग बस अपना सर्वे में अपना नाम लिखवा देना कि हम इस धरती पे आ गए हैं और हम जो है समय निर्धारित वापस चले जाओगे। जो लोग की जिंदगी में ऐसा कुछ होता है उनकी बात कर रहा हूं, तो ये एक्सपीरियंस किए होंगे। तो ऐसे पूरे हरकतों में कौन होता है? सिंपैथेटिक। अब वो आपका क्रश जो है, सुनो ना, वो आपका क्रश जैसे ही वहां से निकलेगा आपका बॉडी क्या हो जाएगा? पैरासिंपैथेटिक। आपका बॉडी समझाएगा बस कर भाई, वो चला गया, नॉर्मल हो जाए यार, वो जा चुका है। वो एक ना टिकटॉक जब आया था तो उसमें एक टिकटॉक का रील बड़ा वायरल हो रहा था, जा चुकी है वो तेरे दिल दी महल विच रहंदी वाला, याद है क्या हुआ? ठीक है, तो ये कहानी हो रहा था इसमें बच्चा। तो ये पूरा पैरासिंपैथेटिक जो सिस्टम है ना, ये वापस से आपको नॉर्मलाइज करेगा। क्यों यार? आपका हार्ट बीट बढ़े रहना चाहिए, अच्छी बात है क्या आपके शरीर के लिए? आपका हार्ट बीट तो 72 टाइम्स जो है उसका बीट रेट है पर मिनट के अंदर, तो वही इसका एक नॉर्मल बिहेवियर है यार, क्यों बढ़ाना? मिले ना मिले तुमको हार्ट अटैक आ जाएगा, है बेफालतू का, नॉर्मल करो। और कब तक आंखें खोल के रखोगे? जा चुका है वो, नॉर्मल करो। अच्छा रोंगटे इनका क्या है? नॉर्मल, ठीक है। अच्छा और भी जो चीजें थी वो सब कुछ क्या हो जाएंगी? नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये क्या करता है चीजों को, क्या करता है भाई? नॉर्मलाइज कर देता है। क्या करता है चीजों को? नॉर्मलाइज करता है। आप यूं कह सकते हो वापस से किसमें लेके आता है? रेस्ट में लेके आ जाता है। तो ये छोटी सी कहानी थी। देखो ये अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, ये क्रश वाला, आधे से ज्यादा बच्चों को समझ आ गया होगा,
क्योंकि ये रियल लाइफ आदेश क्या, मेरे को लगता है 100% ऑफ समझ में आ गया होगा, ये रियल लाइफ हर किसी ने क्या बोलू यार, अच्छा नहीं है, अच्छा तुम जनगणना वाले हो तब कहां लगेगा बाबू, उसके लिए तो पहले क्रश का मतलब गर्लफ्रेंड ना होता है। हाँ कह रहा बॉटल पे लिखा रहता है क्रश दी बॉटल, ये प्योर सिंगल है भाई, सख्त लौंडा है। चलो ठीक है बाबू, ठीक है हाँ वही वाला क्रश, ठीक है आगे बात समझ में। तो चलिए इसको नया हेडिंग लगाइए, यहां लिखिए कंडीशन, यहां लिखिए कंडीशन, यहां लिखिए सिंपैथेटिक और यहां लिखिए पैरासिंपैथेटिक। मैं यहां पे कंडीशन बताने चलूंगा और आपको बताना यहां चीज होगा कि नहीं होगा और फिर यहां कैसा होगा नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन पूछता हूं, सलाइवा या सलाइवेशन अगर सिंपैथेटिक है, मान लीजिए आपका क्रश आ गया, तो अगर आ गया सिंपैथेटिक है तो सलाइवेशन होगा या रुक जाएगा? रुक जाएगा भाई, मुंह सूख जाएगा ना, तो सलाइवा ना बंद, तो सलाइवेशन इनहिबिट हो जाएगा और वापस पैरासिंपैथेटिक को क्या कर देगा? नॉर्मल, तो सलाइवेशन क्या हो जाएगा? फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हार्ट बीट बताओ, हार्ट बीट इंक्रीज, बस्ट, बस्ट अच्छा बीट समझ लीजिए, बस्ट इतना भी गया यार बस्ट है, यहां क्या हो जाएगा? वापस नॉर्मलाइज कर देगा। ठीक है, गूज बंप, गूज बंप होगा, ये फिर क्या कर देगा? उसको नॉर्मल कर देगा। और बता सकते हो? डाइजेशन हो गया, स्वेटिंग, हाँ स्वेटिंग, ये होगा नहीं होगा? होगा, और फिर इसको क्या कर देगा? नॉर्मल। ये कहा सुना मैं पानी पानी हो गई, एक्चुअली वो पानी पानी क्या होता है? स्वेटिंग, तो बारिश वाली पानी की बात थोड़ी हो रही थी उस गाने में, पानी पानी हो गई क्योंकि कौन सा एक्टिव था? सिंपैथेटिक एक्टिव था, तभी ना स्वेटिंग हो गया उसको, और वो क्या कहती है कि मैं पानी पानी हो गई, और थोड़ी बात उसका पानी क्या हो गया? नॉर्मली, जो बॉडी का पैरासिंपैथेटिक वैसे पानी क्या हो गया? वाटर, मतलब स्वेटिंग जो हो गया क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये चार पांच पैरामीटर है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था हमारा नर्व सिस्टम के बारे में।